मिली देने के लिए आज प्रभु ने यहाँ खड़ा किया ना, तो प्रभु को बहुत दिल से धन्यवाद ना। तो मेरा जीवन आप लोग ऑब्वियसली मालूम है जवान लोगों का जीवन कैसे होता ना, तो मेरा जीवन वैसे ही था, बहुत ज़्यादा नशा करना, सब जगह एडिक्ट, हम गांजा में था, गांजा बहुत ज़्यादा एडिक्ट था, सिगरेट हम बहुत पीता था, लेकिन बीमल ये सब नहीं करना था, ड्रग्स हमने पी के दिखाया ना। तो मेरी जिंदगी ऐसे चल रहा था, क्लास सिक्स से हमने पीना शुरू किया, क्लास ट्वेल्व तक, उसमें फेल नहीं हुआ, उसके बीच में एक टेस्टिमनी है। तो क्लास हम नाइन पहुँचा तो हमको मालूम था हम फेल हो गए बोल के ना, क्योंकि हम पढ़ते रहा नहीं है, तो ऐसे करके। तो मेरा माँ ने बोला तुम पास होगा, हम बोले कैसे पास होगा, हम पढ़ा ही नहीं, एग्ज़ाम तो दिया। मेरा माँ ने बोला तुम पास होगा, तुम पास होने से चर्च जाना पड़ेगा। तो हमको मालूम है फेल होगा बोल के ना, हम बोले ठीक है हम जाएंगे, पास हो गया, लेकिन चर्च नहीं गया, क्लास टेन पहुँच गया, फिर हम नहीं पढ़ा, फिर उसमें भी हम पास हो गए, वो भी चैलेंज था माँ के साथ ना। माने बोले तुम पास हो जाए, नहीं हम पास कैसे होगा, हम भी हम मालूम है हम लिखा है, फिर भी प्रभु का मेरे कल हम पास हो गए। लेकिन क्लास ट्वेल्व पहुँच गया, क्लास ट्वेल्व पहुँचने के बाद माने भ्राता नहीं कैसे आए थे ना तो हम फेल हो गए, फेल हो जाने के और भी ज़्यादा हम नशा करना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त लोग आगे निकल गया, हम वहाँ पीछे रह गया, ऐसा सोच के डिस्करेज मन में आया, इसी करके हम पीछे रह गए और भी ज़्यादा हम नशा करना शुरू कर दिया। नशा करते करते पढ़ाई खराब हो गया, हम डिस्टेंस में दिया, फेल हो गया, ऐसे करते करते हम पीछे हो गया, बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया। लेकिन प्रभु का योजना ना, प्रभु का टाइमिंग जो मेरे जीवन में आया, एक मोड़ आया। मोड़ आने के बाद हमको एक महीना ट्रेनिंग बाइबल स्कूल जाने का मौका मिला। वहाँ जाने के बाद हमने थोड़ा बहुत सच को जाना, तो एक वचन मेरे जीवन में काम किया, तो वो वचन है जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, उसमें लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सच ने हमको आजाद किया, हालेलुया हालेलुया। उसके बाद फिर वापस हम बोमदिला आया, बोमदिला आने के बाद 2020 अगस्त में हम वापस घर में आया, तो फिर से मेरा संगति वैसे ही हो रहा था माहौल हिसाब से। वापस हम भी गांजा पीना शुरू करा था, सिगरेट पीना शुरू किया। मेरे मन में बार बार एक डर पैदा हो रहा था कि कोई हमको देख रहे, क्यों कर रहे हम ये सब, हमको कोई देख रहे ऐसे कि मेरे अंदर में आ रहा। तो प्रभु से हमने प्रार्थना की प्रभु हम यहाँ बैठने से हम ज़्यादा बिगड़ जाएगा, हमको एक ऐसे जगह लेके जाओ जहाँ अच्छा संगति हमको मिले, ऐसे करके हमने प्रार्थना किया। तो फिर प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, एक मोड़ आया फिर से। पास्टर जी ने बोला टॉबिन क्या आप केरला जाना चाहते, एक साल के लिए ट्रेनिंग है आप जाना चाहते, बोला तो हम बोला हाँ पास्टर जी हम जाना चाहते, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है इतना दूर जाने के लिए, हम अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो पास्टर जी ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको एक रुपये भी नहीं लगेगा, आप सिर्फ जाना है कि नहीं। तो हम बोला हम जाना है, इतना बड़ा बोका ना क्यों छोड़े। हम केरला पहुँच गया, केरला जाके प्रभु का अनुग्रह से बहुत कुछ सीखा हमने ना, बहुत कुछ सीखा। तो यही मेरे टेस्टिमनी कि प्रभु ने हमको बचाया वो पाप से, वो गंदगी से, वो कीचड़ से हमको खींच के यहाँ निकाल के लिखा है, ये है मेरे टेस्टिमनी। और आप लोग साथ दो वर्ड्स हम शेयर करना चाहते हैं बाइबल से ना, तो उद्देश्य, पर्पस। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य है, पर्पस है, ठीक है। हर एक के जीवन, मेरे जीवन में है, आपका जीवन में है। अभी सांसारिक तौर से देखने से तो मेरा पर्पस ये है कि हमको बड़ा बनना है, एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा नौकरी करना है, उसके बाद अच्छा एक घर बनाना है, सुंदर से एक बीवी होना है, शादी करना है, बच्चा होना है, बूढ़ा होके मर जाना है, सांसारिक तौर का ये है पर्पस। लेकिन आप और मेरा जीवन में क्या है पर्पस, मेरा और आपका उद्देश्य क्या है, हम मसीह होने के नाते आप लोग से क्वेश्चन है, क्या है आपका उद्देश्य, कुछ एक दो वर्ड्स आप लोग बोल सकते हैं, क्या है आप लोग का पर्पस, आगे आप क्या करना चाहते हैं मसीह के जीवन में। और यही कि घर जाना है, खाना पका के हस्बैंड को खिलाना है, बच्चा को स्कूल भेजना है, वापस आके अपना बिजनेस में बैठना है, संडे चर्च आना है, फेलोशिप करना है, यही उद्देश्य है क्या मसीह जीवन का, क्या है? बहुत काम कर रहा है लेकिन क्या काम करना है लेकिन उसके राज्य को बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग? प्रचार
That's right. प्रचार सिर्फ पास्टर से एवेंजलिस्ट या मिशनरीज के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। ये हम लोग का उद्देश्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है ना, यीशु मसीह ने मती में बोला है, लुका में बोला है कि तुम सारी जाति को चेला बनाओ, सुसमाचार सुना ऐसा ना। तो ये एक छोटा सा एक टेस्टिमनी, सेपा में हम जब काम कर रहा था वहाँ में हमने छोटा सा एक ट्रैक्स बांट के सुसमाचार बांटा, तो उसी समय एक लड़का रिपेंट हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उद्देश्य, हर एक के जीवन में उद्देश्य है, और वो उद्देश्य प्रभु हमको देते हैं। वो उद्देश्य जो है हानि के लिए नहीं, परंतु हम लोग का कुशल के लिए है। God has a purpose for everyone. Exodus 9 उसका 16 आप लोग खोलिए, निर्गमन उसका 9 उसका 16। इस प्रकार से लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखा है, बट फॉर दी दिस पर्पस आई हैव रिजन अप टू शो, सॉरी, But for this purpose, I have risen you up to show you power, so that my name may be proclaimed in all the earth. Praise the Lord. Hallelujah. सिर्फ हम लोग को चर्च नहीं आना है, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, मेरा आमा है, मेरा चाचा है, अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, उसको बताना है। Hallelujah. अभी सबको मालूम है यीशु मसीह आने वाला है, बोलिए, है कि नहीं? एग्जाम्पल, मेरा माँ जा रहे और हम नीचे छूट गया, अब लोग माँ है, अब वो कैसे लगे, खुशी होके स्वर पे बैठ सके नहीं सकेगा ना। मेरा बेटा नीचे रो रहा है, कैसे देख सकेगा, हालां भैया वो बात सोच के कभी कभी हम डर लगता है हमको, है ना, मेरा पापा या मेरा चाचा कोई नीचे छूट जाएगा और हम ऊपर में ताली मार के खुशी तो नहीं होगा स्वर में, होगा क्या? दुख लगेगा हमको, बहुत ज्यादा दुख लगेगा, क्योंकि वो छूट गया, उसको दर्द होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आपका और मेरा एक उद्देश्य प्रभु ने हमको दिया है कि हम लोगों को सुसमाचार बताएं, उसको उद्धार का विषय मिला है, सेल्वेशन के बारे में बताएं ना, क्योंकि आपको और हमको पूछेगा प्रभु जजमेंट डे में, क्यों नहीं बताया फलाना आदमी को, क्यों नहीं बताया फलाना आदमी आपका घर आया था, क्यों नहीं बताया फलाना आदमी को मदद किया था आपने, बोल के। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि हम 5 साल कितना अच्छा प्रार्थना करता था ना, ये जरूरी नहीं है कि 5 साल हमने कितना आदमी को सुसमाचार बताया था, ये जरूरी है कि आज हम कैसे जी रहे मसीह में, कि हम सच में क्रिश्चियंस लाइफ जी रहे क्या, कि हम आज सच में मसीह का सुसमाचार बांट रहे क्या, ये जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा आशा है कि आप लोग ने इससे कुछ सीखा है ना, कि आपने बहुत कम समय में थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा अभी तकरीबन 2 साल ही हुआ है मसीह में आके, 2020 जनवरी 4 तारीख को हमने बपतिस्मा लिया था, तो आज 2 साल हो गया ना। प्रभु ने हमको संभाल के रखा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसे बोलते कि तेरा उम्र भी इतना छोटा है, तुम कुछ करने से ठीक है, क्यों मसीह के काम में जाते हैं, बाद में ऐसे करके बहुत सारा लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, ऐसे करके बोल रहे तो। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपने सच में यीशु मसीह को प्रेम किया है दिल से, तो आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे ना। लेकिन आपने सिर्फ बाहर से दिखावटी किया है, तो ऑब्वियसली गिर जाएगा। हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, या प्रभु के लिए और भी कुछ करें ना, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सुंदर से मेरे लिए सुन रहे थे।